वेलकम ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग गुड इवनिंग। हाँ चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और आज के क्लास में देखिए हम आप लोग को एक अलग चीज बताएंगे। आज आप लोग अपना इंट्रोडक्शन कैसे देने वाले हो इस पर हम बात करेंगे, ठीक है। आप लोगों को इंट्रोडक्शन कैसे देना, अगर किसी अजनबी से बातचीत करना है तो बातचीत करने से पहले कैसे हम लोग बात स्टार्ट करें करने के लिए, इसी के बारे में हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो आज का वीडियो और आज का क्लास बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, सो आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ। और आइए देखते हैं। बताइएगा, ठीक है। स्क्रीन देखिए विजिबल है कि नहीं ये बता दीजिए आप। है सर। हाँ ओके। देखो बच्चों, आज 11th क्लास तक हम लोगों ने करवाया था आपको, और आज ये 12th क्लास है, ठीक है। और 12th क्लास के अंतर्गत हम लोग आज सीखेंगे स्पोकन इंग्लिश में बात करना, कैसे मतलब नए लोगों से अजनबी से कैसे बात करते हैं, और स्टार्ट कैसे करना है उनसे, कैसे क्या करना है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। यस सर इट इज विजिबल। ओके गाइस, देखो देखिए तो स्पोकन इंग्लिश क्लास 12th आपको दिखाई दे रहा है ना। यस सर। सेल्फ इंट्रोडक्शन का आज का क्लास रहेगा, जिसमें हम लोग अपना परिचय देना सीखेंगे। देखिए दरअसल बात यह है ना, बहुत से लोगों को हेजिटेशन होता है कैसे बात करें, बहुत ही डर सा लगता है उन्हें। तो मैं तो सिंपल रूप से कहूंगा सिंपली आपको कि आपको डरना नहीं है, वहां पे आप बेफिक्र होकर के बात करो, कोई इशू नहीं होता है। मात्र आपको 5 ही लाइन बोलना है, और आप 5 लाइन अच्छे से बोल लिए ना तो समझ लीजिए आपका हेजिटेशन खत्म हो गया, और आप अच्छे तरीके से फिर आगे और भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये 5 लाइन बोलने समय में थोड़ा सा हिचकिचाहट होता है लोगों को, ठीक है। तो आज हम लोग सीख लेते हैं, हिचकिचाहट को दूर कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले जब आप किन्हीं से मिलते हो तो देखो ये लाइन को आपको बोलना चाहिए, जैसे भी मिले आप फर्स्ट टाइम किसी से ना तो हेलो गुड मॉर्निंग, या अगर आपका दोपहर का समय है तो आप आफ्टरनून का प्रयोग करें, है ना, दोपहर का बाद का समय का। और यदि आप शाम में किसी से मिल रहे हो तो आप इसका प्रयोग करेंगे गुड इवनिंग का। तो ये देखिए गाइस होता क्या, ये अभिवादन होता है। फर्स्ट टाइम आप जब किसी से मिल रहे हो तो वो मॉर्निंग का भी टाइम हो सकता है, ठीक है, या तो फिर आपका नून का भी टाइम हो सकता है, या तो फिर आपका आफ्टरनून का भी टाइम हो सकता है, या इवनिंग का टाइम हो सकता है, नाइट का भी टाइम हो सकता है, रात को भी तो आप मिल सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू से इट हेलो गुड मॉर्निंग, है ना, या तो फिर आप बोलोगे हेलो गुड आफ्टरनून या हेलो गुड इवनिंग। देखो आपको बताए थे हम ये हेलो वर्ड जो है ना, किसी का ध्यान केंद्रित करने के लिए है ना बोला जाता है इसे। जैसे कोई अगर अपने काम में लीन है, व्यस्त है, तो उनका ध्यान आकर्षित आपके तरफ होगा, तब कैसे होगा ये वर्ड आप जब बोलोगे ना, आप हेलो
तो वो अपना ध्यान इधर की ओर देंगे और आपसे बात करने का इंटेंशन थोड़ा सा उनमें जागेगा। उसके बाद ये वर्ड आप बोलोगे गुड मॉर्निंग, तो आपको वहां से रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, तो रिप्लाई क्या मिलेगा वो तो आपको पता होना चाहिए। अब हम देखो यहाँ पर एक सबसे पहले सेंटेंस यही बोलना था और ये आपने सीखा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है आपको, अब ये बोलना है जैसे माई नेम इज, है ना, मेरा नाम है। अब आप इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है, आप किसी से बात नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, यानी कि आप अपने बारे में यहाँ पर बात कर रहे हो। कहीं पे आपको स्टेज पे खड़ा किया गया और बोला गया ना कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, आप कौन है जरा बताइए, तो ये सारे सेंटेंस का प्रयोग करोगे। फर्स्ट में देखो माई नेम इज का प्रयोग करना है, माई नेम इज, अब जो भी हो नाम आपका, जैसे प्रीति है तो बोलोगे माई नेम इज प्रीति, या पंकज है तो माई नेम इज पंकज, वट एवर जो भी हो आप अपना नाम का प्रयोग करोगे और इस तरीके से स्टार्ट करोगे बात करना। ठीक है, आ रहा है ना समझ में सबको? यस हाँ, देखो बच्चों आपका जो वहां पे था स्पेस माई नेम इज, आप वहां पे कोई भी नाम अपना नाम ही लिखोगे। वैसे यहाँ पर देखो एग्जाम्पल के रूप में बहुत सारा नाम दिया हुआ है, माई नेम इज रागिनी। देखो यहाँ पर आप रागिनी कह लो या फिर रागिनी कुमारी कह लो, ये टाइटल आपका है ना, तो आप फुल नेम भी बता सकते हो या आप सिर्फ एक नेम फर्स्ट वाला बता सकते हो, फर्स्ट नेम सिर्फ रागिनी, आई एम रागिनी, या माई नेम इज रागिनी, माई नेम इज संगीता भारती, माई नेम इज शुभम शुक्ला, माई नेम इज कुंदन पांडे, माई नेम इज सोहन सक्सेना, माई नेम इज सोनी वर्मा, माई नेम इज संतोष वर्मा, एसेट्रा वगैरह। ठीक है, तो ये सिंपल सा सेंटेंस है, यू नो दिस। चलो अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आपको स्थान बताना होता है यहाँ पर कि आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा आई एम फ्रॉम मुंबई, ठीक है, अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो, मुंबई में रहते हो, तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम मुंबई, या आप सीवान से बिलोंग करते हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम सीवान, या शिमला से हो तो बोलना है आपको आई एम फ्रॉम शिमला, आई एम फ्रॉम पटना, आई एम फ्रॉम जयपुर, आई एम फ्रॉम इंडिया, वाट एवर जो भी हो, आई एम फ्रॉम बांका, आई एम फ्रॉम झारखंड, एसेट्रा वगैरह जो भी हो, वाट एवर आप प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, ये सेकेंड सेंटेंस हुआ। अभी सबसे पहला आपका था अभिवादन, जो गुड मॉर्निंग से आपने स्टार्ट किया था, हेलो गुड मॉर्निंग। उसके बाद पहला था आपने अपना नाम बताया, उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हो ये आप बता रहे हो। ठीक है, उसके बाद देखो थर्ड सेंटेंस क्या आता है। थर्ड सेंटेंस में आपका आता है आप हो क्या, इसके बारे में बताना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा आई एम ए और एन। अब देखो ए और एन में अंतर आप लोगों ने सीखा था, ए का प्रयोग जो आपका कॉन्सोनेंट होता है ना उसके साथ किया जाता है, और एन का प्रयोग जो आपका वॉवेल होता है उसके साथ किया जाता है। तो यहाँ पर आपका ए का प्रयोग और एन का प्रयोग देख करके करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेंटर का हम लोग बात कर लेते हैं, तो यदि आप अगर पेंटर हो तो आप बोलोगे आई एम ए पेंटर। ठीक है, और यदि आप एक टाइपिस्ट हो तो आप बोलोगे आई एम ए टाइपिस्ट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए हाउस वाइफ, आई एम ए स्टूडेंट, आई एम ए टीचर, आई एम एन इंजीनियर। देखिए ये आया ना वॉवेल, आपका वॉवेल, तो इसके साथ आप एन का प्रयोग करोगे आई एम एन इंजीनियर। उसके बाद है एक और बिजनेसमैन, तो आई एम एन, सॉरी आई एम ए बिजनेसमैन, ऐसे बोलना है। ठीक है, आई एम ए बिजनेसमैन। उसके बाद है बच्चों माई हॉबी। देखो आप अपना मतलब कुछ हॉबी बताते हो कि आपको क्या पसंद है, आपकी हॉबी क्या है, और दो हॉबी का भी प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर एक ही का प्रयोग दिया हुआ है,
वैसे आप अगर करना चाहते हो दो तरीके से तो दो भी कर सकते हो। सो पहले पहले हम इसको समझते हैं, ठीक है। माई हॉबी इज गार्डनिंग। अगर किसी को गार्डनिंग करने का है ना, तो गार्डनिंग कर सकते हैं, बगीचे में काम जो करता है ना, गार्डनिंग वो है, ठीक है। अगर किसी को डांस करने का शौक है तो वो डांसिंग का प्रयोग करेंगे, माई हॉबी इज डांसिंग। अब किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है तो वो बोलेंगे माई और तो फिर हॉबी से बताइए, इज, क्या बोल रहे हो? फिर से बताइए हॉबी का। देखो ये आप अपना पसंद बताते हो, ठीक है। अगर किसी भी क्षेत्र में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है, जिस क्षेत्र में आप दिन भर में ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हो ना, तो ये आप प्रयोग करते हो, आपका ये हॉबी के रूप में आता है। तो ये सेंटेंस का प्रयोग करोगे आप, माई हॉबी इज गार्डनिंग। अब गार्डनिंग का मतलब हुआ जो खेती खेती करता है ना, मतलब बगीचे में काम करने वाला, बागवानी का काम करने, ठीक है। तो गार्डनिंग उसके लिए हो गया। अगर आपको बागवानी का शौक है तो गार्डनिंग का प्रयोग करना, यदि आपको डांसिंग का शौक है तो माई हॉबी इज डांसिंग ये बोलना है। अगर आप गाना सुनते हो ज्यादातर तो आप बोलोगे माई हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक। यदि आप क्रिकेट देखना पसंद करते हो तो माई हॉबी इज वॉचिंग क्रिकेट। माई हॉबी इज पेंटिंग। माई हॉबी इज टीचिंग। माई हॉबी इज सिंगिंग। माई हॉबी इज प्लेइंग गेम्स। माई हॉबी इज कुकिंग। माई हॉबी इज सफरिंग इंटरनेट। बहुत से लोगों को देखो इसका भी हॉबी हो चुका है। सफरिंग इंटरनेट का मतलब होता है इंटरनेट पे समय बिताना, ठीक है। बहुत से लोग अभी क्या करते हैं, इंटरनेट पे ज्यादा से ज्यादा समय का प्रयोग करते हैं। और अगर किन्हीं को दो दो हॉबी पसंद है, ठीक है, तो आप दोनों के सेंस में आप प्रयोग कर सकते हो। यहाँ पर आप सिर्फ देखो क्या करोगे, जो माई लिखा हुआ है ना वो तो सही है, माई के बाद लिखोगे हॉबी, नहीं लिखोगे उस पे, उस यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, हॉबीज करना पड़ेगा। माई हॉबीज आर, देखिए यहाँ पे मैं लिख के बता रहा हूँ, ठीक है। माई हॉबीज, आप ऐसे बोलोगे, माई हॉबीज आर लगाओगे इसमें, बिकॉज दिस इज प्लुरल, सिंगुलर में इस लगता है ना। माई हॉबीज आर डांसिंग, ओके। डांसिंग लिखा आपने, उसके बाद आप लिखोगे आप एंड प्लेइंग गेम, एंड प्लेइंग गेम, ओके। ये देखो दो दो तरीके का हो गया आपका, तो दो हॉबी हो गया। अगर किसी को तीन तीन हॉबी है तो आप कॉमा दे करके यही सेंटेंस में आप प्रयोग कर सकते हो, ठीक है। डांसिंग जैसे देखो, डांसिंग अगर किसी को है तो डांसिंग लिखोगे, डांसिंग के बाद कॉमा देना है। सिंगिंग का पसंद है तो सिंगिंग दे वो, ठीक है, सिंगिंग दे दिया आपने। उसके बाद अगर किसी को प्लेइंग गेम का भी पसंद है तो यहाँ पर प्लेइंग गेम भी लिख दो। चलो दो तीन हॉबीज है आपका, तो दो तीन हॉबीज का भी नाम ले सकते हो, प्लेइंग गेम, और एक एंड लगा करके जोड़ देना पड़ेगा आपको, ठीक है, लास्ट वाला। जैसे कि आपका यहाँ पर लिख दिया जाए पेंटिंग का, बहुत से लोगों को पेंटिंग का शौक होता है ना, बनाते हैं ड्राइंग वगैरह, अच्छा। माई हॉबीज आर इसमें भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। माई हॉबीज ही लिखाएगा, माई हॉबीज आर डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग प्लेइंग गेम एंड पेंटिंग, ओके। उसके बाद देखिए अब आ जाइए सिक्स्थ, फिफ्थ सेंटेंस क्या है आपका, ये है आपका, देखिए आपने अपने बारे में एक गुण बताया, ठीक है। आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादातर पाया जाता है, ये आपको बताना होता है, तो आप बता दो। आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन, अगर आप ईमानदार हो तो ये सेंटेंस का प्रयोग करो, आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। या आप अगर एक समाज से में काम करने वाले हो, समाज से जुड़ करके रहते हो, समाज के बातों पे ध्यान देते हो, तो आप ये प्रयोग कर सकते हो, आई एम ए सोशल पर्सन, ठीक है। और यदि आप देखो थोड़ा सा यहाँ पर है लिखा हुआ एन इंथुजियास्टिक पर्सन, तो आई एम एन इंथुजियास्टिक पर्सन का भी प्रयोग करोगे। इंथुजियास्टिक का मतलब समझ रहे हो,
कोई बात नहीं, हम बता रहे हैं। देखो, इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जो ये जिज्ञासु टाइप का होता है, ठीक है। अगर किसी को लालसा समझते होंगे आप, लालसा, ठीक है। अगर किसी चीज के बारे में आपको लालसा है, अगर कोई चीज आप सीखना चाहते हो, तो उसी को कहा जाता है, वह इंथुजियास्टिक है अंग्रेजी में, और हिंदी में उसको लालसा बोलते हैं, या फिर आप चाहत कह लीजिए इसको, चाहत के रूप में। पर जैसे आप लोगों को अभी अंग्रेजी बोलने की चाहत थी ना, तभी तो ये क्लास आप लोग कर रहे हो, या लालसा थी तभी ये क्लास में शामिल हुए हो, और लगभग ये क्लास आपका हो ही गया है। तो ये इंथुजियास्टिक का मतलब हुआ वही लालसा, ठीक है। लालसा देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, या चाहत, जिज्ञासा लिख देता हूँ, सी एक अच्छा सा वर्ड है ये, जिज्ञासा। देखिए, इच्छुक समझते होंगे आप इच्छुक हो, ठीक है, इच्छुक पर्सन हो, किसी चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए आप इच्छुक हो। अब अच्छा पर्सन होता है इच्छुक वाले, है ना। इंथुजियास्टिक पर्सन जो होते हैं अच्छे होते हैं, किसी चीज का जानकारी लेने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं वो। उसके बाद है गाइस, यहाँ पर देखिए, आई एम ए हार्ड वर्कर, ठीक है। आई एम ए हार्ड वर्कर, यदि आप मेहनत कड़ा सर, करते हेलो सर, हो। हाँ, क्या बोल रही हो इनके भी? जिज्ञासा इच्छुक क्या होता है? जिज्ञासा और इच्छुक को वही इंथुजियास्टिक का हिंदी हुआ, लालसा, जिज्ञासा या इच्छुक जो है ना, ये आपस में सब पर्यायवाची शब्द है, सब एक ही अर्थ दे रहा है आपका, ठीक है। ओके सर। ए हार्ड वर्कर, आई एम ए हार्ड वर्कर, मैं एक परिश्रमी हूँ। हार्ड वर्कर का मतलब होता है परिश्रमी, मेहनती इंसान, ठीक है। तो ये आप प्रयोग कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो है ना, आप अपने बारे में बता रहे हो कि आप किस टाइप के हो। उसके बाद देखिए है, आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। एनर्जेटिक पर्सन मतलब हुआ जो ऊर्जावान होता है, मतलब हमेशा वो बातें करता है, एकदम पूरा ओपनली बात करता है, हमेशा तैयार रहता है किसी काम के लिए, है ना। जब भी उसे कह दो तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। बहुत से लोग तो लेजी टाइप के होता है ना, जो बोल टाल देता है 5 मिनट में या 10 मिनट में या कल करेंगे, तो इस टाइप का नहीं। एनर्जेटिक पर्सन का मतलब हुआ जो हमेशा तैयार रहे, जिसको अगर कुछ कह दो ना किसी भी समय, तो हमेशा वो तैयार रहता है, पूरे एनर्जी हमेशा उसमें रहता है हर दम, इसीलिए एनर्जेटिक पर्सन के रूप में उसे जाना जाता है, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग करो, आई एम एन एनर्जेटिक पर्सन। उसके बाद है काइंड पर्सन। देखो ये आपका फिफ्थ में ये आप प्रयोग करो, आई एम ए काइंड पर्सन, ठीक है। तो ये 5 तरीके से आप लोगों को सेंटेंस था यहाँ पर। आप वैसे इसमें से क्या हो बताओ, तो इनके भी चलो बता दो, इनमें से आपको क्या है, आपके अंदर क्या है? ऑनेस्ट ऑनेस्ट हो, ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन, ऑनेस्ट एंड काइंड पर्सन, काइंड पर्सन हो और ऑनेस्ट हो, ठीक है। विशाल बताएं, एंड सत्या, आप किस टाइप के हो? आप फिर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आई। एंथुसिएस्टिक पर्सन। एंथुजियास्टिक पर्सन, जिज्ञासु टाइप का। हाँ देखो, बहुत ही मतलब जिज्ञासा होना चाहिए किसी भी नए चीजों को सीखने का, है ना। तो ऐसे लोग बुद्धिमान होते हैं, हमेशा नए चीज सीखने के लिए हमेशा तात्पर्य होते हैं। सर, हाँ बोलो, मेरे अंदर इसमें से कोई भी गुण नहीं है सर, कौन सा गुण है तुम्हारे अंदर? कोई भी नहीं सर। आखिर है कौन सा? इनमें से नहीं है तो कोई तो होगा।
हाँ सर कुछ गलत ही होगा। अच्छा मतलब अपने आप में गलत सोचते हो। शायद सर। शायद क्या, गलत सोचने वाला इंसान गलत होता है? कुछ भी अच्छा काम नहीं होता है सर, एनी टाइम हमारे साथ बुरा ही होता है। ये बुरा होने की क्या बात है, यहाँ पर आप अपने बारे में दिखाना है क्या है नहीं है। क्या है, चलिए ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। और इसका देखिए रिवीजन यहाँ पर है, थोड़ा सा जानकारी आप लोगों ने लिया कैसे इंट्रोडक्शन देना है आप लोगों को। इंट्रोडक्शन तो आपने सीखा देने के लिए, अब ये देख लो एक बार फिर से रिवीजन है आपका। ये हेलो से स्टार्ट करना है बात करना, ठीक है, हेलो गुड मॉर्निंग। उसके बाद माय नेम इज पुलकित आनंद, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम ए पेंटर, माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, आई एम ए स्मार्ट वर्कर, थैंक यू। आप इसके बाद एक और सेंटेंस का देखो एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप ऐसे प्रयोग कर सकते हो, दैट्स ऑल अबाउट मी, ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट मी। उसके बाद आप बोलोगे थैंक यू, इसमें ऐड कर लोगे नहीं तो एक और अच्छा एक सेंटेंस और बढ़ गया ना, दैट्स ऑल, यहाँ पर देखो मैं लिख रहा हूँ दैट्स ऑल अबाउट मी, इसका प्रयोग। ओके दरअसल देखिए सेंटेंस ज्यादा लंबा हमने बताया नहीं, मात्र 5 सेंटेंस में ही आप लोगों को इंट्रोडक्शन देना सिखाया। अगर आप 5 सेंटेंस दे सकते हो तो आप 15 भी दे सकते हो, 25 भी दे सकते हो, ठीक है, तो ये देख लेना। ये मुख्य रूप से 5 सेंटेंस तो आपको देना ही पड़ेगा, अगर आप इसके अलावे और कुछ बात करना चाहते हो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अच्छा है इंट्रोडक्शन देने का, एक शॉर्ट में अगर आपको कहा जाए ना तो इतना काफी है, 5 लाइन बोल लोगे इंग्लिश में कम नहीं, पूरा लाइन पढ़ करके कोई बता सकता है, बताओ तो। अब बताए सर। हाँ बताओ अपने बारे में बताओ। हाँ अपने बारे में बताना, आप अपना इंट्रोडक्शन यहाँ पर दो। देखो अब हम लोग क्या करेंगे ना, आपस में बातें करने भी सिखाएंगे आप लोगों को, तो आप स्टार्टिंग करोगे, देखो मैं हिंट दे रहा हूँ सुनो, आप स्टार्टिंग करोगे यहाँ पर हेलो से, और अभी जो है ना नाइट है ना, लेकिन आप इवनिंग का प्रयोग करना, ठीक, हेलो गुड इवनिंग इस तरीके से बोलना। उसके बाद आपको ये सेंटेंस जितना लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन क्या हुआ है, अंडरलाइन में आपका पुलकित आनंद जो लिखा है वहां पे आप अपने बारे में बताओगे, आप अपना नाम, ठीक है, सारे बताओ तो एक एक करके। चलो इनके भी स्टार्ट करो आप। शुरू से सर, हेलो गुड इवनिंग से। हाँ एक गुड एक्सप्रेशन भी होना चाहिए आपके अंदर, एक्सप्रेशन समझते हो ना, बॉडी लैंग्वेज सिखाए थे हम आपको। इनिशियली अगर आप किसी से मिलते हो तो सबसे पहले देखो इम्प्रेशन ही दिखाना पड़ता है, सबसे पहले अच्छे से स्माइल देना है, उसके बाद बातें करना है, ये नहीं कि ऐसा लग रहा है जैसे आप इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो तो सुनने वाला भी उतना फालतू नहीं है, ठीक है, तो इस पे ध्यान देना होता है। ओके चलिए बताइए कैसे बोलोगे। सिंपल सा क्वेश्चन करेगा, व्हाट इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है, ये, और उसके बाद इतने सारे जवाब हैं, व्हाट्स योर इंट्रोडक्शन। चलो बताओ फटाफट, टाइम देना है कि नहीं, और को भी तो बोलना है। पूछिए ना। क्या किन्हीं और से पूछिए, क्यों हेजिटेशन हो रहा है आपको बोलने में? विशाल चलो स्टार्ट करो ना। चलो विशाल आप स्टार्ट करो। तो
सर क्या बोले थे? आई एम माई नेम इज विशाल कुमार आई एम नहीं नहीं आपको आपको यहाँ से स्टार्ट करना है. लिसन मी, आपको ये सेंटेंस से स्टार्ट करना है हेलो से, ठीक है? हेलो गुड मॉर्निंग. अभी गुड मॉर्निंग का टाइम नहीं है बाबू, अभी गुड इवनिंग का प्रयोग करो. चेंज करना है अंडरलाइन के पास जितने भी वर्ड. फिर से कोशिश करो. हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज विशाल कुमार, आई एम फ्रॉम झांसा, आई एम ए पेंटर, आई एम पेंट, माय नेम माय आई एम ए स्मार्ट. आवाज कट रहा है ना सर? आपका आवाज कट रहा है विशाल. बोले सर हम. रुको, आएगा मौका आपका भी. सर आवाज के गिर जा रहा है. हाँ आ रहा है, बताइए. मोबाइल को रख दीजिए कहीं स्थिर से. हेलो गुड इवनिंग, माय नेम इज विशाल कुमार, आई एम फ्रॉम करझांसा, आई एम ए स्टूडेंट, माय हॉबी इज पेंटिंग, आई एम ए स्मार्ट वर्कर. थैंक यू सर. हम हो गए. हाँ दैट्स ऑल अबाउट का भी प्रयोग कर सकते हो. हाँ सत्या बोलो आप. हेलो गुड इवनिंग सर, माय नेम इज सत्या भाट, आई एम फ्रॉम करझांसा, आई एम ए माय हॉबी इज रीडिंग बुक्स, आई एम ए स्मार्ट. सर वो मीनिंग क्या था इसका? एंथुजियास्टिक. यस एंथुजियास्टिक, दैट्स ऑल. थैंक यू. That's all about me. Thank you. देखो अभी भी चलो ठीक है, किसी और को मैं मौका देता हूँ. हाँ गुड्डू चलो बताओ. तो आप बोल रहे थे कि हम बोलेंगे, बोलो कैसे बोलोगे? गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड सर, माय नेम इज गुड्डू कुमार, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम ए स्टूडेंट, माय हॉबीज इज लिसनिंग म्यूजिक एंड प्लेइंग क्रिकेट, आई एम ए आई वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन. That's all about me. Thank you. ठीक है, और कोई बोले संदेश? Tell me. संदेश, what's your introduction? Tell me. Yes, sir. Hello, good evening, sir. My name is Sandesh Kumar. I belong to Nawada district. My qualification is 10+2. My hobby is cricket. I am playing cricket or watching cricket? Playing cricket, sir. हाँ तो उसे आपको add करना है. I am currently BSc plus two. In Kellis College. Thank you, sir. That's all about me का प्रयोग कर सकते हो. ठीक है, ठीक है आपका. और कौन? ये पप्पू कौन है जी? चलो बताओ आप. ये वही पप्पू हैं क्या जी? फिर से आ गए, एंट्री कर गए. जी सर, सिर्फ हाँ चलो इनके भी बताओ आप. हेलो सर, गुड इवनिंग, माय नेम इज नंदिनी वर्मा, आई फॉर्म नवादा डिस्ट्रिक्ट, आई एम रीडिंग बुक, माय हॉबी इज सर्फिंग इंटरनेट, आई एम सर लास्ट में की बोले आई एम ए स्मार्ट वर्कर लिखा हुआ है ना आप यहाँ पर. देखिए आपने क्या कहा थर्ड लाइन में. एक देखिए, पहले आप रिलैक्स होइए. जब भी किन्हीं से बातें करना हो ना तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिलैक्स होना है और सिंपली बात करना है. जैसे आप लोग आम लोगों से बातें करते हो, सिंपल सा आपको हेलो गुड इवनिंग
ऑल ऑफ यू, ओके, इस तरीके से बोलना है। उसके बाद ये स्टार्ट कर देना है आपको, माय नेम इज पुलकित आनंद, आई एम फ्रॉम इंदौर, आई एम ए पेंटर, माय हॉबी इज लिसनिंग म्यूजिक, आई एम ए स्मार्ट वर्कर, दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, ऐसे है ना। चलो ट्राई करो। सर हमें ही बोल देते हैं। और कौन है? सर एक बात पूछे? हाँ पूछो। ये ऑल अबाउट क्या है? ये लास्ट में जो हम बताए थे ना आपको, आपको हम लास्ट में ये बताए ना कि एक ये ऐड कर सकते हो आप लास्ट में। देखो फर्स्ट में ये सेंटेंस बोलना है, ये वाला, ठीक है? उसके बाद लास्ट में ये सेंटेंस आप ऐड कर देना। अगर नहीं ऐड करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थैंक यू अवश्य बोलना। ये सेंटेंस का बोलना अति आवश्यक होता है। सर इसका मतलब होता है? That's, मतलब होता क्या है? That's, बता रहे that's all about me का मतलब हुआ बस यही। अब मेरे बारे में इतना ही कुछ था, ठीक है? That's all about me, यही मेरे बारे में आपको जानकारी है। या फिर लास्ट में बोलते हैं ना बस इतना ही, that's all about me, बस इतना ही मेरे बारे में, थैंक यू, ठीक है? ठीक है बच्चों, समझ में आया? यस सर। यस सर। लेकिन आप लोगों को हेजिटेशन अभी भी है और इसे सॉर्ट आउट कर लेना, इसका तैयारी कर लेना, ऐसा करो। और कल हम आप लोगों को देखो फिर से लूंगा इंट्रोडक्शन और आप लोग देना, ओके सर। ठीक है, तो आज का क्लास अब हम लोग यहीं पर स्थगित कर देते हैं, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पांच लाइन ही बोलो ना, पांच लाइन ही मैंने इसीलिए लिखा था कि आप पांच लाइन बोल लोगे ना सही से, तो आप जो है ना आगे भी बात कर सकते हो। मेन होता है स्टार्ट आप कैसे करोगे, ये यही मतलब दिक्कत देता है, अंदर से डर सा लगता है, इसलिए पांच लाइन के बारे में आपको सिखाया। पता है सर हम मंच पे खड़ी होते हैं तुमको बहुत डर लगता है। हाँ हाँ, मंच हो या किन्हीं से बात करने हो ना अजनबी से, तो थोड़ा सा लगता है कि ना जाने गलत बोलेंगे तो क्या समझेगा। तो ऐसा क्या है गलत, हम लोग बोलेंगे तो सही भी तो हम ही लोग बोलेंगे ना। हाँ हाँ, पीडीएफ मिल जाएगा। हाँ गुड्डू बोलो। सर खासकर जहाँ लड़कियां होती है और मैम पूछती है सर, वहाँ ज्यादा नर्वस होते हैं। फर्स्ट टाइम अपना कॉलेज में ऐसे ही हुआ, बहुत बुरा लगा था सर। सीएसआई लैब में बहुत बुरा क्या लगना है, आप एक अपना हेजिटेशन खत्म करो। कल के डेट में आप बिजनेसमैन बनोगे तो बिजनेसमैन में दिक्कत होगा ना आपको, बातें करने के लिए ही तो आना चाहिए। बिजनेस किससे होता है, जो बातें अच्छे से कर ले, अच्छा से परिचय दे ले या अच्छा से किसी से परिचय ले ले, यही तो होता है, दैट्स ऑल, यही तो है बस। हाँ सर, लेकिन और सर प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इस कॉलेज में, ये सभी बोले तो उतना सारा भी बोलने के लिए मैं आपको सिखाऊंगा, बट अभी ये पांच लाइन तो बोलने आपको आ जाए। एक बड़ा सा इंट्रोडक्शन भी हम लेकर के आएंगे, लेकिन ये पांच लाइन को सही से आप बोलना अच्छा से सीख जाओ। उसके बाद आपका प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब डिक्लेयर आप बता सकते हो, ठीक है? सर बहुत शर्म लग रहा था, तेलुगु लड़कियां सब घूर रही थी, इतना गंदा बोले थे। शर्म क्या लगना, क्या शर्म, सबको लगता है शर्म, एक बार सब एजिटेशन खत्म हो जाएगा, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इंतजार कर लो। और देखिए वीडियो को देखते हो यूट्यूब पर तो आप लोग ना तो लाइक करते हो ना उसको शेयर करते हो, ये बहुत गलत करते हो जी आप लोग, करते हैं।
नहीं नहीं करते हो आप लोग, जवाब दिया करो, कुछ कमेंट करके पूछ लिया करो, वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा लाइक कर दिया करो, अपना शेयर कर दिया करो। सब लोग इंटरनेट देखो सफरिंग करते हैं सभी लोग, थोड़ा बहुत तो ध्यान दिया करो थोड़ा हमारे ऊपर भी। ओके थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस नाइट। थैंक यू, गुड नाइट सर।